नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला यूट्यूब के आयुर्वेद की अद्भुत जानकारी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ये पौधा जो है तो आपका लगभग सभी बीमारियों में काम आता है, तंत्र मंत्र में काम आता है और इसको अपने पास रखने से कई प्रसिद्धियाँ आती हैं। इसको इससे सुख संपदा की भी प्राप्ति होती है। ये सांप के विष और बिच्छू के विष में भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जटलीटा इसको नाम से जानते हैं, चिरचिरा नाम जानते हैं, चिरचीटा नाम जानते हैं। और ये देखिए, मैं पास में लगा हुआ है, एक निर्जन स्थान में आया हुआ हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पौधा मिल गया तो मैं सोचा आप लोगों तक जानकारी इसकी पहुँचा दी जाए। तो दोस्तों देखिए, ये है पौधा, ये दिखाइए पौधे को, ये है पौधा। आप सभी लोग जानते होंगे इस पौधे को, ये हमारे आसपास लगा रहता है। चिरचीटा और इसको जटलीटा कई नामों से इसको जाना जाता है। देखिए इसके पत्तों के बारे में, देखिए पत्ते, ये हैं पत्ते इसके और ये फल लगे हुए हैं। ये लंबा लंबा, काफ़ी लंबा तक हो जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि ये इसकी मुखारी की जाती है, अगर इसकी मुखारी 12 साल तक कर ली जाए तो बाक सिद्धि आ जाती है। और इसके फलों को सूखने के बाद इसका जो है तो इस तरह करके इसका जीरा निकालते हैं, इसके भीतर एक काला काला जीरा निकलता है, छोटा छोटा सा काला। अभी तो ये कच्चा हुआ है तो कच्चे में नहीं निकलेगा, पके में निकलेगा। काले जीरे की खीर बना के अगर खाएं तो 1 महीने तक आप बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, 1 महीना से 2 महीना। पहले ऋषि महात्मा लोग इसका भरपूर उपयोग करते थे। और इसकी जानकारी दे दूं कि दोस्तों एक तांत्रिक प्रयोग इसके बारे में मैं बताता हूं, इसकी खूबियां अगले वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 में। इसकी तांत्रिक प्रयोग ये है कि दोस्तों अगर आप इसको जो है तो अश्विनी नक्षत्र में आप आके स्नान ध्यान करके आप इसको ले जाइए, इसकी जड़ को बकायदे पंचोपचार पूजा करने के बाद यहाँ से ले जाइए। घर में भी पंचोपचार उसकी जड़ का करना है और जड़ का करने के बाद अपने लाल कपड़े और लाल धागे में बांध लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। जिस जगह जाएंगे उस जगह जो है तो आपको सम्मान मिलेगा और यश प्राप्ति होगी दोस्तों। तो और इसके बारे में, इससे पथरी भी निकाली जाती है, कई लोग इसकी पथरी में भी दवा देती हैं, इसके जड़ का क्वाथ बना के पिलाते हैं तो पथरी निकल जाती है। और इसके पत्तों का भी जो है तो अंजन किया जाता है। और इसमें जो है तो जिसे बिच्छू का डंक लग गया है तो इसकी जड़ और पत्तों को घिस के और जड़ को एक पूरा पंचांग को घिस के अगर उस जगह में लगाया जाए तो विष तुरंत उतर जाता है, क्वाथ पिलाने से भी विष उतरता है। तो दोस्तों ये है जानकारी। और तांत्रिक लोग इसकी बहुत सारी जानकारी देते हैं। देखिए मैं इसके जड़ के बारे में, ये तो है बहुत हैवी पौधा, इसका उखाड़ पाना मुश्किल है। मैं आपको हल्का सा पौधा देखता हूँ, कहीं लगा होगा तो हल्का से पौधे से निकालता हूँ। और खूबी ये होती है दोस्तों कि ये अगर पैंट वगैरह में लग जाती है तो ये चपक जाती है, छूटती नहीं है जल्दी से। ये छोटे छोटे काम है, ये जटलीटा का वो है। और देखिए ये लगा हुआ है तो इसका, ये भी पुराना वृक्ष है, उखाड़ने में समय देगा। कोई नया वृक्ष होता तो मैं उखाड़ता। चलिए हो गया, आप लोग इसका उखाड़ के देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। और ये छोटा वृक्ष मिल गया है, मैं आपको इसकी जड़ के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसकी जड़। इस जड़ को दोस्तों लाना है आपको और इस जड़ को लाके अपने गले में धारण करना है। इससे सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर इसी का वीडियो मैं पार्ट टू में बनाऊंगा और इसके आयुर्वेद गुणों के बारे में भरपूर जानकारी दूंगा, क्या कैसे खाने से कौन सा रोग आपका खत्म होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।
मैं वैद्य राजीव शुक्ला। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जिससे आगे आने वाले वीडियो को मैं बखूबी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।